नमस्कार दोस्तों, दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी डीटीएच उपभोक्ता के लिए काफी अच्छी खबर निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डीटीएच की अब हम पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। हमारी जो डीटीएच की जो पोर्टेबिलिटी प्रोसेस थी वो हमारी स्टार्ट होने वाली है और जल्दी हम हमारे जिस प्रकार से हमारे सिम को हमारे इच्छा अनुसार जिस भी नेटवर्क ऑपरेटर में जाकर हम हमारा कन्वर्ट कराना चाहते हैं उसी प्रकार से अब हमारे डीटीएच के अंदर भी हम जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम जाना चाहें, चाहे वो एयरटेल डिजिटल टीवी हो, चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे वो वीडियोकॉन हो या फिर एक्स वाई जेड टाटा स्काई जो भी हो, जिस भी हम डीटीएच ऑपरेटर के अंदर हमारी सर्विस को लेना चाहें हम हमारे उसको पोर्ट कराकर हम उस सर्विस के अंदर इन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ये पूरी प्रोसेस है और कब से हमारी ये स्टार्ट होने वाली है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कितना पैसा देना होगा, ये सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको 50 रुपीज का पेटीएम कैश प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया जा रहा है। लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके अकाउंट के अंदर तुरंत ही 50 रुपीज का पेटीएम कैश आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ साथ में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बताना चाहूंगा कि अमेजन के ऊपर 60-90% डिस्काउंट सेल हमारी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो कि हमारे ये मान लीजिए 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक हमारी रखी गई है। और उसके अंदर आपको सभी कंपनियों के सभी ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज हो या फिर किसी प्रकार की कोई ज्वेलरीज हो या आपका कोई भी किचन का संबंधित सामान हो, किसी भी प्रकार का जो भी आइटम आपको इस फेस्टिवल सीजन में लेना है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अमेजन डिस्काउंट सेल के अंदर जाकर आप उसको डायरेक्टली 60-90% डिस्काउंट के साथ आप उसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उस सेल के अंदर एंटर कर सकते हो और डायरेक्टली आप एंटर करके आप जो भी आइटम परचेज करना चाहो वो परचेज कर सकते हो। और अगर आप उसका पेमेंट ऑनलाइन करते हो वाया अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा, तो आपको अमेजन 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और देगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे डीटीएच पोर्टेबिलिटी की, तो डीटीएच पोर्टेबिलिटी हमारी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि दिसंबर तक हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी या हमारी नेक्स्ट ईयर यानी कि हमारी जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस प्रोसेस के अंदर ये होगा कि हम हमारी इच्छा अनुसार हमारी डीटीएच को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अभी हम हमारे डिश टीवी के अंदर हम मौजूद हैं और डिश टीवी के अंदर हम हमारी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डिश टीवी किसी प्रकार का ये मान लीजिए कोई भी नए चैनल हमारा लॉन्च नहीं करता है, और एयरटेल डिजिटल टीवी के अंदर ये मान लीजिए समय समय पर हमारे कुछ नए चैनल हमारे लॉन्च होते रहते हैं और उसके जो प्लान्स हैं वो भी काफी रीजनेबल है। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो हमारे डिश टीवी को छोड़कर हम हमारे एयरटेल डिजिटल टीवी के अंदर हमारा पोर्ट करवा सकते हैं हमारे कनेक्शन को, और हमारा सारा सब कुछ वही रहने वाला है। हमारा बस ये है कि पहले हमारा जो सिग्नल हमारा डिश टीवी का पकड़ता था उसकी जगह हमारा सिग्नल हमारा एयरटेल डिजिटल टीवी का हमारा पकड़ने लग जाएगा, और हमें जो नेक्स्ट हमारा रिचार्ज हमें करवाना होगा वो हमारे को एयरटेल डिजिटल टीवी का ही हमारे को करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो ट्राई के जो चेयर जी हाँ दोस्तों जो हमारे ट्राई के जो चेयरमैन है आर एस शर्मा जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि डीटीएच की पोर्टेबिलिटी हमारी बहुत जल्द हमारी स्टार्ट होने वाली है और उसके अंदर ये मान लीजिए बिल्कुल प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है और वो दिसंबर तक या फिर हमारी नेक्स्ट ईयर हमारी जनवरी तक हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी। और उसके अंदर हमारी सभी कंपनियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, सभी कस्टमर्स को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी कि वो अपने इच्छा अनुसार जिस भी डीटीएच के अंदर एंटर होना चाहे तो वो अपने इच्छा अनुसार उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना कनेक्शन को पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों ने हमें स्वतंत्रता प्रदान करी है, सपोज कीजिए मेरे पास एक आइडिया का कनेक्शन है और उस कनेक्शन के अंदर मेरा जो नेट है काफी स्लो प्रोसेस में चलता है, और अगर मुझे फास्ट स्पीड का नेट कनेक्शन चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा जो आइडिया का जो सिम है उस सिम को मैं कन्वर्ट कर एयरटेल के अंदर शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि एयरटेल का जो नेट की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है और एयरटेल का कनेक्शन है कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार का नेटवर्क वो ड्रॉप नहीं होता है और किसी भी प्रकार का कोई भी हमें ये मान लीजिए डिस्टर्बेंस उसके अंदर नहीं देखने को मिलते, तो मैं अपने आइडिया के कनेक्शन को छोड़कर एयरटेल का कनेक्शन अपना ज्वाइन कर सकता हूँ। और मेरे को उसके लिए आपको देना होगा एक फोटोग्राफ्स, एक मुझे फॉर्म फिल करना होगा और जो पोर्टेबिलिटी का जो चार्जेस है वो मुझे पे कर मैं अपने आइडिया का कनेक्शन को
छोड़कर एयरटेल के कनेक्शन के अंदर शामिल हो सकता हूँ, और उसके बाद में आने वाले जो भी रिचार्ज मैं करवाऊंगा वो एयरटेल के कनेक्शन के ही मैं रिचार्ज करा पाऊंगा और एयरटेल की सर्विस ही मुझे आगे भविष्य में मिलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जो डीटीएच के अंदर भी हमें ये देखने को मिलने वाले, यानी कि अगर आप किसी भी डीटीएच से कोई भी किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो, चाहे उसके चैनल से संबंधित मान लीजिए, चाहे उसके प्लान से संबंधित मान लीजिए, या उसकी सर्विस से मान लीजिए, तो अगर आप उस डीटीएच कनेक्शन से संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने डीटीएच को अदर डीटीएच के अंदर पोर्ट करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने वाला है पोर्टिंग का, और ये हमारे दिसंबर तक हमारा स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर जनवरी हमारी फर्स्ट वीक में हमारा ये देखने को हमें मिल जाएगा। और इसकी जो पोर्टिंग प्रोसेस हमारी होने वाली है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नजदीकी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, जिस भी कंपनी में आपको जाना है उसके पास जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, अपनी एक फोटोग्राफ लगानी होगी, और जो भी पोर्टिंग जो चार्जेस है, यानी कि आपको जो नया कनेक्शन आप लेना चाहते हो, अपना पोर्ट कराना चाहते हो, वो कनेक्शन का जो अगला रिचार्ज का जो चार्जेस है वही आपको पे करना होगा, और वो आपका रिचार्ज आपको उस पोर्टेबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास नियरेस्ट जाकर भी आप कर सकते हो। अगर आपके नियरेस्ट कोई ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल नहीं है तो वाया ऑनलाइन भी आप इस सबमिट कर सकते हो। आपके पास कंपनी का एग्जीक्यूटिव आएगा, जिस भी कंपनी में आप पोर्ट करना चाहते हो, आपसे अपना फॉर्म फिल करवाएगा, आपसे फोटोग्राफ कलेक्ट करेगा, और जो भी पोर्टेबिलिटी का जो चार्जेज है वो आपसे कलेक्ट करेगा, और कुछ समय बाद में आपका जो पुराना डीटीएच है वो क्लोज हो जाएगा और नए डीटीएच के अंदर आपको सिग्नल आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस है हमारा इस समय जो सामने निकल के आ रही है, वो समस्या सबसे बड़ी निकल के यही आ रही है कि डीटीएच का जो कनेक्शन है वो सारी की सारी कंपनियों ने अपना सिग्नल लॉक किया हुआ है, और उस सिग्नल लॉक के द्वारा हमारी ये मान लीजिए पोर्टेबिलिटी में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो इस प्रकार से कुछ उसके अंदर समय लग रहा है कि उस सिग्नल अनलॉक के बारे में क्या किया जाए कि सारी कंपनियों को स्वतंत्रता प्रदान हो जाए कि अगर जो भी कस्टमर चाहे वो इजीली किसी भी डीटीएच कनेक्शन के अंदर पोर्ट इन हो सकता है, और किसी को पोर्ट आउट होना है तो वो इजीली पोर्ट आउट हो सके और उस कंपनी को छोड़कर वो नई कंपनी को ज्वाइन करे। तो जो सिग्नल लॉक के ऊपर है उसी के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, उसी के ऊपर तालमेल बैठाया जा रहा है कि किस प्रकार से सिग्नल लॉक की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अगर आप छतरी के अलाइनमेंट को सेट करते हो तो वो कंपनी का सिग्नल तो हमारा कैच कर लेगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमारे चैनल उसके अंदर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो जो इस प्रकार से जो हमारे कंपनियों के द्वारा सिग्नल लॉक किए गए उसको अनलॉक से संबंधित हमारे उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, और बहुत जल्द उसके ऊपर हमारा निष्कर्ष हमारा निकाल लिया जाएगा, और ये दिसंबर से लेकर हमारी जनवरी फर्स्ट वीक तक हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी, और फिर आप इजीली अपना डीटीएच कनेक्शन को जिस भी डीटीएच कनेक्शन के अंदर चाहे उसके अंदर पोर्ट इन कर सकते हो। दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल गई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी डीटीएच उपभोक्ता को पता लग सके कि हमारी डीटीएच पोर्टेबिलिटी की सर्विस भी हमारी एक्टिवेट होने वाली है, और हम हमारी इच्छा अनुसार जिस भी डीटीएच कंपनी को ज्वाइन करना चाहे वो हम उसको पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।